कि उनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दहेज के लालची आदमी को। बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं जी हमसे, चार महीना की। दूल्हा वहाँ से बारात लेके दोनों बाप बेटे और उनके ताऊ उल्टे ही भगे यानी आए हमारे पास। आपको स्विफ्ट डिजायर चाहिए था और यहाँ पर ये लोग बुलेट दे रहे थे, इसलिए आप बारात वापस ले गए। नो सर, गलत रीजन है ये पास कॉलोनी की बेटी है। और सुनो, समाज के लिए ना कानून सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं हमसे जी, चार महीना की। दूल्हा वहाँ से बारात लेके दोनों बाप बेटे और उनके ताऊ उल्टे ही भगे यानी आए हमारे पास। जो हमको डिजायर गाड़ी चाहिए। आधे रास्ते से डिजायर के लिए भाग गए भैया। ये देखिए, ये दादा है, इनकी देने की स्थिति नहीं है और इतना इन्होंने दिया भी अपनी बेटी के लिए। कौन कितना नहीं करता है, सब लोग करते हैं, जितना हो सकता है सब लोग करते हैं। ये टूटे फूटे घर में ये परिवार रहता है, तीन चद्दर के घर में रहता है, गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बनता, चूल्हे पर बनता है। लेकिन मित्रों, अपनी बेटी के देने के लिए इन्होंने बुलेट नहीं निकलवाई, लेकिन स्विफ्ट डिजायर चाहिए था भैया। ऐसी घटना के बाद तुमको बेटी देगा कौन? तुम निकम्मे हो, तुम कलंक हो इस समाज के लिए। कहां गई एक माता जी थी अभी हमारे साथ, कुछ कह रही थी। आप जरा बताएं कि FIR दर्ज हो गया है और क्या सजा की मांग करती हैं आप? हमने जी मुकदमा दर्ज कर दिया उसको। इतनी बड़ी बार-बार कह रहे हैं कि उनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दहेज के लालची आदमी को, जो उसको बेटी के उसको बेटी की भूख नहीं थी, उसको दहेज की भूख थी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांग रहा था कि मुझे बुलेट पसंद नहीं। मुझे आपने तो बुलेट दिया था ना? हाँ, हमने बुलेट दिया था। और पहले मांगा था डिजायर या बुलेट? नहीं, कुछ नहीं मांगा था हमने, अपनी मर्जी से अपनी बेटी की खुशी के लिए दिया था कि हम बुलेट गाड़ी सबसे कर्जा करके गाड़ी दे रहे अपनी बेटी के लिए। जी मतलब आपकी देने की क्षमता नहीं है, आप झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी आपने अपनी बेटी के लिए दिया। इतना दिया कि वो खुश रहे, अपने पति के साथ खुश रहे, लेकिन वो तो निकम्मा निकल गए। फिर भी उसने दो आदमी भेजे, देख क्या गाड़ी कौन सी है, उन्होंने कहा बुलेट है। मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अपनी बारात को रास्ते। लड़का कितना पढ़ा था? लड़का लिखा नहीं है। हाँ, लड़का पढ़ा, आठवीं पास था, आठवीं दसवीं पास रहा होगा, लेकिन इच्छा थी स्विफ्ट चलाने की। वैसे करते क्या थे? कुछ नहीं करता था, बाप की रोटी पलता था, कुत्ता बन करेंगे। यस सर, बोलिए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अरे बारात वापस ले गए हैं, FIR दर्ज हो गया है आपके ऊपर। और बारात और रात क्यों वापस ले गए भाई? बारात क्यों वापस ले गए हैं? बारात की वापस ले? हाँ सर, बारात का रीजन था कुछ, इसलिए वापस गए सर। मेरी बारात, आपको स्विफ्ट डिजायर चाहिए था और यहाँ पर ये लोग बुलेट दे रहे थे, इसलिए आप बारात वापस ले गए। नो सर, गलत रीजन है ये सर, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। चलिए ठीक है, हम अलीगढ़ आएंगे और आपको बैठा कर खुले चैनल पर डिबेट करवाएंगे, ठीक है? इस आरोपी को करनी से करनी सजा मिलनी चाहिए। आपसे कैसे बात? जी सर, हर बात की कह रहा है ना, बड़े प्यार से बात, बड़ी प्यार से बात। इसी प्यार से इसको कानून इतनी बड़ी सजा दे जो इसकी रूह भी कांप उठे, इसकी रूह कांप उठे। देश को एक संदेश जाए, गरीब लोगों को एक संदेश जाए, सरकार गरीब लोगों की देख सके, सोच सके, समझ सके, ऐसे लोगों को एक संदेश मिलना। कहाँ से हैं? हाँ, हम यहीं से हैं, पड़ोसी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। अच्छा। हम 5 दिन से परेशान हैं, इन लोगों को परेशान। बारात कितनी तारीख को आई और वापस चली गई? 1 तारीख को आई थी। हाँ। बारात को आना था सुबह 10:30 बजे, हमको रात को 12 बजे तक बारात का इंतजार करते रहे। 12 बजे के बाद में हमको पता चला। हाँ। कि बारात यहाँ आकर के दहेज के चक्कर में यहाँ से चली गई। बेटी नहीं है, समाज की बेटी है, सबकी बेटी है, सबकी बेटी है। हमारी सुभाष कॉलोनी, कॉलोनी की बेटी है। और सुनो, समाज के लिए ना कानून सख्त से सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी बेटी है, इनकी बेटी नहीं, झोपड़ी वाले की हमारी बेटी है। कौन इनको सजा दिलाएगा? आप दिलाएंगे? हम दुआएंगे। और संजय कॉलोनी देगा हमारे कानून जी। मोदी जी बैठे हुए देंगे सजा, योगी जी बैठे हुए देंगे कानून के हिसाब से। बेटी पढ़ाओ बेटी, नारा ये है, बेटी इनकी कहाँ रक्षा और क्या सुविधा हो रही है? दहेज वाले को सजा मिलनी चाहिए। पूरा मामला भैया दहेज का है। अगर दहेज दे देते तो लड़की को ले जाते, लेकिन लड़की का क्या लड़की का क्या दुर्गति करते डिजायर पाने के बाद, वो नहीं पता। भला हुआ कि लड़की को ले ही नहीं गई। लालची है ये, लोभी है, ताकि जाए लोभी। और इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पैसा चाहिए इनको, बेटी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हमारी बेटी है कॉलोनी। ये देखिए, इनके भाई बंधु हैं, जीजा फूफा आए हुए हैं, पड़ोसी हैं, इनका करेजा दर्द कर रहा है। दर्द नहीं होगा, हमारी बहन बेटी ना क्या? जी जी, सब मामला बुलेट और डिजायर का था। अगर डिजायरवा दे देते तो वो खुश हो जाते। से दे 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 दे
जगह नहीं है। और अगर अगर डिजायर दे देते तो बिटिया का क्या गति करते कुछ नहीं पता। बिटिया की जिंदगी बच गई। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि उनको कैडी से कैडी सजा दी जाए। हमारा यही काम है और कोई बात नहीं, सरकार से यही गुजारिश है हमारी। पर्दा का मुकदमा रजिस्टर्ड मुकदमा फास्ट ट्रैक सर। एक बताओ, जिस आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है बेचारा, कभी जिंदगी में नहीं हो ऐसा होना चाहिए। देखिए आजकल की माताएं बहनें भैया सजग हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं। माता जी इधर आइए, देखिए खुलकर बोल रही हैं, ऐसे नहीं दबी कुचली हैं, खुल के बोल रही हैं और सारे बोल रही हैं, महिला एकता बोल रही है। देखिए ये माता जी सब एक हो गई हैं। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की बहन बेटी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं भी उसे कोई बेटी देने को तैयार नहीं होना चाहिए, शादी में नहीं होनी चाहिए, उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वे लालची हैं। दहेज प्रथा के वो केस लगना चाहिए उसे और उनके परिवार को जो उसे ये बच्चे को भड़का रहे हैं उसको भी सजा होनी चाहिए, उनके परिवार वाले को। एक छोटी सी मांग है, ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। हमारा मुकदमा दहेज प्रथा का फास्ट ट्रैक पर चलना चाहिए। ये नहीं है कि साल लग गया, दो साल लग गया, फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलना चाहिए। एक महीने में, दो महीने में डिसीजन चाहिए। ऐसे किसी की बहन बेटी कोई भी किसी की शादी करके ऐसे तो कोई भी कहीं से भी भग जाएगा। है कल अगर डरते उड़ते नहीं है वो लोग, क्या डरते उड़ते नहीं है, गुंडे उंडे डरी तो नहीं है। एक फौजी है उनका भाई, क्यों कहता हम तो फौजी हैं, हमारा क्या कर सकते हो तुम, आप पे है क्या, छोड़ गए आपकी लड़की को, कर लो हमारा कुछ। पुलिस से, प्रशासन से, शासन से, जनता से ऊपर हो जाएगा कानून से कोई। कहते हैं हम तो सबको खरीद लेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, हम किसी को नहीं मानते। पैसे में खरीद लेना होता तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते आज। कितना पैसा, यही बात है, हम यहाँ पड़े हुए और निकल गए, ऐसे नहीं होते तो हमारी लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। ये घर मकान बना के, आपकी बात दूर तक जाएगी, आपकी बात पूरे विश्व में गूंजेगी। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।